हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो सामान्य धन के जितने भी छत्तीसगढ़ की नदियाँ जलप्रपात हो उसको मैं कवर करा रहा हूँ, जिसमें पिछले सेशन में 35 क्वेश्चन, याद रखिए पिछले सेशन में जो है 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया था। ये स्पेशली जो है हास्टन वार्डन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि 15 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है जी। तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीट पढ़ाया हुआ छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। साथ ही साथ पीएससी प्री वगैरह, छत्तीसगढ़ पुलिस, नगर सैनिक वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ामों के लिए भी काम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ये सभी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन में जो सभी सिलेबस में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं किस नदी का, ठीक है, किस नदी का जो प्रवाह, जो फ्लो है, दक्षिण से उत्तर की होकर पूर्व की ओर है। तो हसदो नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या मांड नदी, ठीक है। अक्सर देखेंगे एग्जाम में जितने भी नदियां हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नदियां हैं, उसके प्राचीन नाम अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्राचीन नाम भी जो है आपको पता होना, कल जो है मैं बहुत सारी नदियों को प्राचीन नाम भी बताया था, ठीक है। तो प्राचीन अक्सर जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन से नदी का जो फ्लो, जो प्रवाह है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ये आपका महानदी, महानदी का जो फ्लो है, प्रवाह है, दक्षिण से उत्तर की ओर होकर जो है ये आपके पूर्व दिशा की ओर है। तो महानदी जो है आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी नदी है, ठीक है जी। जस्ट लगभग 858 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें महानदी जो फ्लो है दक्षिण से पूर्व होकर दिशा ओर यह प्रवाहित होती है महानदी। अगला क्वेश्चन है कि महानदी का जो मैदान निम्नलिखित में से मतलब किस ओर जो है विस्तृत है, महानदी का जो मैदान है। तो ये आपका उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ या सभी में। तो ये याद रखें जो महानदी है जो है विस्तार जो है मध्य छत्तीसगढ़ में है, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। यहाँ पे इसके एक्सप्लेन देखेंगे तो महानदी का जो मैदान है मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, आपका फैला हुआ है। इस मैदान का जो निर्माण है महानदी तथा उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। महानदी के मैदान में प्रमुख रूप से धान की फसल ली जाती, देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ लगभग 85% देखेंगे तो इसका विस्तार है, ठीक है जी, मतलब जो है धान की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है उसको बताना है, ठीक है। तो महानदी देखेंगे तो कौन से जिले से होकर नहीं बहती है, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और सरगुजा जिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा जिला, ठीक है। बाकी रायपुर, धमतरी, महासमुंद ये जो है जिले से होकर जो है बहती है, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बाकी जो सरगुजा जिले से होकर जो है नहीं बहती है, ठीक है जी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेन देखेंगे तो महानदी, ठीक है, सरगुजा जिले से होकर जो है प्रवाहित नहीं होती है। जैसे बताया मैंने महानदी का जो फ्लो और प्रवाह जो है कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा एवं जो है रायगढ़ जिले से होकर जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब जो है 7 से 8 से जिले से होकर जो है महानदी जो है प्रवाहित होते हैं, ठीक है। ये जो प्रमुख शहर है जो आपके महानदी किनारे आपका बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मैदान में निम्नलिखित प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, महानदी, हसदो, शिवनाथ नदी और इंद्रावती नदी, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो ये जो छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रमुख नदियां हैं इसको जो है बताना है। अ, ब, स, द, यहाँ पर सही उत्तर को चुनाव करना है, ठीक है। अ और ब, ब एवं स और स, ब और द, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अ और स करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन तरफ जाते हैं। असा मतलब जो है आपका महानदी हो जाएगा और शिवनाथ नदी, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी का और शिवनाथ नदी इन दोनों नदियों का जो संगम आपका जो है, ये आपके जो मतलब छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जो ये जो प्रमुख नदियों का फ्लो होता है, फैलाव है, ठीक है जी। महानदी और शिवनाथ नदी अ और स इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। महानदी व्यवस्था, गोदावरी नदी व्यवस्था, गंगा नदी व्यवस्था, नर्मदा नदी व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो अपवाह तंत्र जो है प्रमुख नदी व्यवस्थाओं में जो आधारित है ए बी सी डी, इसका जो है उपरोक्त सभी जो है ये आपके व्यवस्थाओं पर आधारित है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ अपवाह तंत्र ये सभी पे जो है आधारित है, इसको याद रखना है। यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो अपवाह तंत्र निम्नलिखित नदी व्यवस्थाओं पे आधारित है, जैसे महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा। ये आपका सबसे बड़ा ये महानदी अपवाह तंत्र है, सबसे छोटी आपका नर्मदा अपवाह तंत्र है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है, शिवनाथ, हसदो, महानदी, डंकनी, संखनी, ठीक।
तो छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करने वाली जो नदी आपका शिवनाथ नदी है, ठीक है। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ को दो भागों में जो है विभाजित करती है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुस्तक में भी दिया गया है कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को दो भागों में 18-18 गढ़ में जो है विभाजित करती है, ऐसा जो है बताया भी गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी, ठीक है। तो महानदी सतयुग जो है सतयुग में किस नाम से जाना जाता था या प्रचलित थी? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा या आपको कमलोत्पला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महानदी को सतयुग पुराण में जो है या सतयुग में जो है इसको नीलोत्पला कहा गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, सतयुग में नीलोत्पला कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नारंगी नदी निम्न में जिले में जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। नारंगी नदी जो है कौन से जिले में प्रवाहित होती है? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या बीजापुर। तो नारंगी नदी कौन से जिले में प्रवाहित होती है? तो ये आपका बस्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बस्तर में जो है नारंगी नदी प्रवाहित होती है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महानदी और शिवनाथ नदी, ठीक है। महानदी और शिवनाथ नदी के दो आप निम्नलिखित किन जिलों में स्थित है? दुर्ग, राजनांदगांव, राजनांदगांव बालोद, रायपुर दुर्ग, रायपुर महासमुंद या इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायपुर और दुर्ग जिला, ठीक है। तो महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब निम्नलिखित किन जिलों में स्थित है? तो आपका रायपुर और दुर्ग, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन जिलों में जो इसका जो है यहाँ पर जो है विस्तृत है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पर महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, याद रखें कौन कौन सा, महानदी, शिवनाथ नदी और आपका जोंक नदी, इन तीनों नदी के जो है त्रिवेणी संगम में छत्तीसगढ़ का कौन सा जो है प्राचीन तीर्थ स्थल जो है बसा हुआ है? चंपारण, शिवरी नारायण, राजिम और दामाखेड़ा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिवरी नारायण, ठीक है। जहाँ पे जो है माता सबरी का मंदिर कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है भगवान जो राम ने यहाँ पे आए हुए थे और उनके जूठे पैर जो यहाँ पे खाए हुए थे, ऐसा करके जो है कहा जाता है, ठीक है। तो आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी इन त्रिवेणी संगम पे जो है छत्तीसगढ़ का जो है शिवरी नारायण जो शहर आपका जो प्राचीन तीर्थ स्थल जो है बसा हुआ है, ये आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। शिवनारायण के आगे जाएंगे तो वहाँ पे खरौद बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपका बना हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी है, ठीक है। कौन कौन सा, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, ठीक है। तो महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पे, ठीक है, जो है त्रिवेणी संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है? रायपुर, सिरपुर, रतनपुर या आपका राजिम। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, राजिम शहर। याद रखिएगा महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी तीनों त्रिवेणी संगम पे जो है राजिम शहर आपका बसा हुआ है, ये आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। इसी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, इसीलिए इसको ये जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला जो राजीव नगर, महानदी जैसा अभी बताया, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी इन तीनों नदियों के संगम में आपका बसा हुआ है, ठीक है जी। तो आपको पता भी होना चाहिए कौन सा शहर कौन नदियों किनारे आपका बसा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके PSC वगैरह में भी आपा में रिपीट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिहन नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। तो रिहन नदी का उद्गम स्थल है सिहावा, अंबिकापुर का मैन पाट, अंबिकापुर का जो है मतरिंगा पहाड़ी या संजारी बालोद, ठीक है। तो रिहन नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, कहाँ से इसका ओरिजिन होती है? तो अंबिकापुर के जो मतरिंगा पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ से इसका जो उद्गम होता है या इसका ओरिजिन होता है रिहन नदी का। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो रिहन नदी का उद्गम जो है अंबिकापुर तहसील के मतरिंगा पहाड़ी से हुआ है। यह है जो है सोन नदी की सहायक है, ठीक, किस कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये आपका सोन नदी की सहायक है और रिहन नदी को सरगुजा की जीवा रेखा कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बताया भी कि जो है सरगुजा की जीवा रेखा जो है कौन सी नदी कहलाती है, ऐसा करके क्वेश्चन दिया रहेगा। ये आपको रिहन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ऐसा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रिहन नदी को सरगुजा की जीवा रेखा कहलाता है, ठीक है जी। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है रेंड नदी के नाम से बताया गया है पुस्तक में, ठीक है। इसका प्राचीन नाम रेंड नदी के नाम से इसको जो है पढ़ाया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए कि सिहावा पहाड़ी, ठीक है, ये सिहावा पहाड़ी कहाँ पे आता है? धमतरी जिले में, ठीक है। तो सिहावा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल है? इंद्रावती, पैरी, शिवनाथ नदी या महानदी, ठीक, कई बार बताया है महानदी, ठीक है। धमतरी जिले का जो सिहावा जो पहाड़ी है या जो पर्वत है यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है महानदी का, ठीक है जी। यहाँ पे एक्सप्लेन देखेंगे तो धमतरी जिले में स्थित सिहावा पहाड़ी महानदी का उद्गम स्थल है, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया यहाँ इस पहाड़ी से जो इसका उद्गम होता है, महानदी
उत्तर पूर्व दिशा में जो बहते हो उड़ीसा राज्य में जो है बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो इसका फाल कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का जो प्रवाह जो फ्लो है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो कौन सी नदी का जो फ्लो है जो प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है, अरपा नदी, इंद्रावती नदी, मांड नदी या शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर शिवनाथ नदी, डी ऑप्शन हो जाएगा, शिवनाथ नदी। ठीक है, ये नदी का जो फ्लो है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, बाकी जो है अरपा नदी, इंद्रावती नदी, मांड नदी, इन तीनों नदियों का जो है फ्लो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम 51 से स्टार्ट करेंगे। निम्न में किसका जो है छत्तीसगढ़ में सबसे जो है कम अपवाह तंत्र है, महानदी अपवाह जो है प्रणाली या जो है ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, महानदी जो है प्रवाह प्रणाली, गोदावरी प्रवाह प्रणाली, गंगा प्रवाह प्रणाली, नर्मदा प्रवाह प्रणाली या ब्राह्मणी प्रवाह प्रणाली। मैं बताया था हमारे छत्तीसगढ़ सबसे जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, यहाँ पे जो है सबसे कम या इसको सबसे छोटा अपवाह तंत्र मैंने बताया था नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो प्रवाह जो है तंत्र है, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे जो है कम अपवाह तंत्र है, सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा महानदी है। ठीक है जी, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, तो नर्मदा अपवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम क्षेत्र है या कम अपवाह तंत्र का जो है क्षेत्र घेरता है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 0.55% जल जो है संग्रहण होता है। ठीक है जी, इस तरह इसका नर्मदा पाहतंत्र करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कि पहला है अ है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा पाहतंत्र का भाग है। ठीक है, देखेंगे, ब है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी पाहतंत्र के अंतर्गत आता है, स है आपका छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग गोदावरी पाहतंत्र से जो है प्लावित है, सही उत्तर को जो है चुनाव करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है दिया गया है अ ब स सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका अ ब और स, ये जो तीनों यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है अ ब स, मतलब तीनों जो है पातंत्र के बारे में जो है सभी सही हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ उत्तरी भाग में जो है गंगा पातंत्र का जो है ये आपका फैलाव है, भाग है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक भाग महानदी पातंत्र के अंतर्गत जो है इसका जो है ये आपका जो विस्तारित है। छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिण की ओर जो है गोदावरी अपतंत्र का जो है विस्तार है। ठीक है, मतलब जो है तीनों कथन जो है करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग महानदी अपतंत्र के अंतर्गत आता है, राज्य का लगभग 3/4 भाग इस अपतंत्र का हिस्सा है, सही बात है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग क्रमशः गंगा अपवाह प्रणाली और गोदावरी अपवाह प्रणाली से प्लावित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, शिवनाथ का मैदान, हसदेव मैदान, महानदी मैदान, इंद्रावती मैदान, शंखरी डंगनी का मैदान। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, महानदी का मैदान। ये ठीक है, ये भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरा है, ये मतलब फैलाव है समझ सकते हैं जो है महानदी जो मैदान है, क्योंकि 1/3 भाग जो है क्षेत्र आपका घेरता है, जिससे आपका जो है सिंचाई का मेन माध्यम है ये या महानदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र में जो है सुमेलित है। ठीक है, कोरबा नदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, सबरी नदी की बेसिन, मैकल सेड़िया, हसदो रामपुर बेसिन, बघेलखंड का पठार, आपका मरियानी जो मनियारी बेसिन जो है बस्तर का पठार। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ प्राकृतिक क्षेत्र सुमेलित है उसको बताना, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हसदो रामपुर जो बेसिन, ये बघेलखंड का जो पठार, ये जो है छत्तीसगढ़ प्राकृतिक क्षेत्र जो आपका सी वाला जो है सुमेलित है। ठीक है जी, तो हसदो रामपुर सुने होंगे, जो बेसिन है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं, कोरबा नदी बेसिन तथा हसदो रामपुर बेसिन जो पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो है भाग है, सबरी नदी बेसिन दनकरण के पठार का भाग, तथा मनियारी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का भाग है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल से जो सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ एवं उनके उद्गम से कहाँ से ओरिजिन होता है उससे सुमेलित है, इंद्रावती, ठीक है, ये आपका चित्रकूट जलप्रपात, शिवनाथ पाना बरस पहाड़ियाँ, अरपा कोटा जलाशय, हसदो मुंगेर पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ। ठीक है, पाना बरस जो पहाड़ियाँ, यहाँ से इस जो है शिवनाथ नदी का उद्गम है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेन में कि इंद्रावती नदी का जो उद्गम जो है कहाँ से, उड़ीसा जिला के कालाहांडी जिला, ठीक है, ये उड़ीसा जिला का अंतर्गत आती है। कालाहांडी सुने होंगे, यहाँ मुंगेर पहाड़ी से आपका इसका ओरिजिन हुआ है, उद्गम हुआ है। शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबारिस पहाड़ी से, अरपा नदी का उद्गम खोंडरी खोंकसरा का जो पहाड़ी है, तथा हसदो नदी का उद्गम सोनहत क्षेत्र के जो है कैमूर के पहाड़ियों से यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इस तरह जो यहाँ पर जो है इंद्रावती नदी का जो है उड़ीसा जिले के कालाहांडी मुंगेर पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है जी। तो चलिए बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर के आज करके सेशन, आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।